हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं खिचड़ी, दाल खिचड़ी। और क्या क्या डलेगा, कैसे बनेगा, ये सब चलिए साथ में मिलकर बनाते हैं। मैंने एक प्याज को काट लिया है अच्छे से, लहसुन, मिर्ची, हरी मिर्ची और सूखे मसालों में तेज पत्ता है, लाल मिर्ची है, बड़ी इलायची, लौंग, छोटी इलायची, जीरा, काली मिर्च, दालचीनी, कटे हुए टमाटर लिए हैं और क्वांटिटी के हिसाब से मैंने दाल चावल लिए हैं। एक कटोरी दाल है तो एक कटोरी चावल। इन दोनों को अच्छे से धुल के आधे घंटे के लिए रख देंगे। मैंने आधा चम्मच घी डाला है। ये जब गर्म हो जाएगा फिर इसमें मैं सूखे मसाले डालूंगी, खड़े। ये सूखे मसाले अब मैं डालने वाली हूँ। जब ये अच्छे से चटक जाए और हो जाए फिर इसमें प्याज डालेंगे। प्याज लहसुन डालने से पहले करी पत्ते से भी तड़का देंगे। जब प्याज हल्की सी हो जाए फिर मिर्ची डालेंगे। जब लहसुन, प्याज, मिर्ची अच्छे से हो जाएगा फिर इसमें टमाटर डालेंगे जो हमने काटे हुए हैं। टमाटर को ज़्यादा भूनना नहीं है, बस हल्का सा फ्राई करने के बाद हमारे धुले हुए चावल, दाल मिक्स किए हुए वो डाल देंगे, उनको भी हल्का सा फ्राई करेंगे। जब ये चावल दाल अच्छे से फ्राई हो जाएंगे फिर इसमें हम हल्दी डालेंगे, नमक डालेंगे, अच्छे से उसको चलाएंगे, फिर उसमें एक पैकेट मैगी मसाला डालेंगे। उससे काफ़ी अच्छा स्वाद आ जाता है दाल खिचड़े में। एक बार आप लोग ऐसा बना कर खा कर तो देखो, काफ़ी अच्छा और काफ़ी टेस्टी लगता है। हेल्थ के लिए भी ये अच्छा है। दाल खिचड़ा जिन लोगों को पसंद नहीं होगा उनको भी पसंद आएगा। और हाँ, जो लोग नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, और जो लोग पुराने हैं लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिएगा, और जो लोग मेरा सपोर्ट करते हैं उनको दिल से थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हल्दी, नमक और मैगी मसाला डालने के बाद अच्छे से मिक्स करने के बाद उसमें पानी डाल दें, और पानी डालने के बाद उसको कुकर को बंद कर दें और एक सीटी का वेट करेंगे। यहाँ पर मेरा दाल खिचड़ा तैयार है, और ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें।